हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात को थोड़ा लेट सोए थे हम, क्योंकि फ्रेंड वगैरह भी आए हुए थे, तो कल एग्जाम भी था तो थक भी गए थे। तो अभी देखते हैं दिन को क्या होता है। आज थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, आज कुछ काम वगैरह भी हैं घर का, वो भी करेंगे। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी हो जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। गाइस, अंडे बॉइल हो रहे हैं मेरे लिए और उसके बाद ओट्स से, तो हम लेट भी है, चम्मच गिर चुके हैं। मैं बताऊं आपको, लो भाई, तो थोड़ा मैं इसको फ्राई करूंगा, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो भाई चलो, आज थोड़ी सफाई करनी है गाड़ी की, तो करते हैं हल्की हल्की डस्टिंग करेंगे। साफ तो है ही है, डस्टिंग करेंगे। अभी इसकी हाल दिखा दो आपको, इसकी हाल कुछ ऐसी है, ठीक है। इसको डस्टिंग करेंगे। उसका हुस मैं हूँ से हूँ सीखा, रहने दे मैं तो प्यासा हूँ, है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे, गली दे, शहर दे उसी के नाम के। कदम ये चले या रुके अब उसी के वास्ते, दिल मुझे दे अगर दर्द दे, उसका पर उसकी हो वो हसी गूंज जो मेरा घर। ऐ खुदा जब ना उसका ही बना, ऐ खुदा जब ना उसका ही बना। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे। गाइस चलो, अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक पक्का करें। तो गाइस आज हमारी जो रोड ट्रिप भी है और छोटा सा एक पिकनिक भी है, तो हम जा रहे हैं वहां पे, तो देखते हैं कैसा एंजॉय करेंगे हम। आप हमारे साथ चलेंगे, देखते कौन सी गाड़ी और वही लेके जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखते कौन सी गाड़ी खुलेगी। ओहो, वो तो सेंट्रो खुल गया, इसके लिए भी जाना पड़ेगा। तो गाइस चलिए आज सेंट्रो पे जाएंगे, लेकिन सेंट्रो पे जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस गाड़ी के बारे में, नहीं लिया मेरे फ्रेंड ने। सुनिए भाई, कांग्रेचुलेशन। हेलो गाइस, थैंक यू। अरे भाई, गाड़ी तो बिल्कुल मस्त है यार, नई गाड़ी है बिल्कुल। तो यार बताओ इसके बारे में, क्या इसकी फीचर्स वगैरह क्या है इसके। इसका मैं आपको बताऊं, ये टॉप मॉडल सेंट्रो है, न्यू जनरेशन। अच्छा, टॉप मॉडल है ये। इसमें एयरबैग्स, ईबीडी, अलाइनमेंट सब कुछ इसमें टॉप मॉडल वाले हैं, जैसे बाकी लग्जरियस गाड़ी में होते हैं। अच्छा, सारा कंट्रोल इससे इस पे है, स्टीयरिंग पे। सारा स्टीयरिंग कंट्रोल। ओके। टच स्क्रीन सब कुछ है इसमें। ये टच स्क्रीन है इसका, ये टच स्क्रीन है, इनबिल्ट है बिल्कुल। ये मुझे इसके ये बड़े सही लगे हैं, इसके एसी के वेंट, ये मर्सिडीज वाले मुझे लगे हैं, एसी के वेंट। ये मर्सिडीज से इंस्पायर्ड। वाओ यार, काफी स्पेशियस है यार ये गाड़ी। सेंट्रो में बैठ के मर्सिडीज का फील ले सकते हैं। ये क्या फीचर है? ये इसके पावर विंडोज। ओके, फ्रंट वाला यूएसबी, और ये लाइटर के लिए ना, ये लाइटर के लिए, और चार्जर के लिए 18 वोल्ट चार्जर है, फास्ट चार्जर। अच्छा, इसमें एयर बैग भी है, एयर बैग भी है, पावर ब्रेक है, और पीछे भी काफी स्पेस है इसको यार। काफी स्पेस है इसमें, जो पुरानी वाली सेंट्रो थी उससे काफी अच्छी कंफर्टेबल।
चलो गाइस, सनी भाई कंग्रेचुलेशन यार आपको नई गाड़ी की। आज इसका आज हम इसका टॉर्क देखेंगे, हाई स्पीड देखेंगे। सफारी लेके जा रहे थे जो सनी भाई की सफारी, फिर मैंने बोला कि चलो सेंट्रो लेके चलते हैं। चलो हांडा सिटी भी अपनी ये भी। और हांडा सिटी के हमें नाम पता क्या रखा हुआ है? जीनत। जीनत वर्ल्ड का बहादुर रखा हुआ मैंने। सनी भाई की सफारी है और एक हांडा सिटी। तो गाइस चलो आज हम इस पे जाएंगे देखते। तो गाइस आज हम जाएंगे भाई की सेंट्रो पे, तो बड़ा मजा आने वाला है, तो देखते कहां जाएंगे। एक और बात बताऊं मैं आपको, आज हमने प्लान बनाया बोटैनिकल गार्डन जाने का। बोटैनिकल गार्डन भी देखेंगे यार, अभी देखते कहां जाना है। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, अपने नेक्स्ट व्लॉग आएंगे ना भाई, अब इसके साथ आने वाले हैं। ठीक है, सिम ये कब लिया? आज नेक्स्ट व्लॉग इसके साथ आएंगे। सिम ये कब लिया? कैनन 700D है, तो अब देखते हैं कैसे व्लॉग बनेंगे इसके साथ। नहीं, ये कब लिया आपने भाई? इसको टाइम तो काफी, बट मैंने चार्ज इसको अभी यूज नहीं किया यार कभी। तो इसके साथ एक स्टैंड मिलता है, वो बड़ा प्यारा होता है। हाँ, गोरिल्ला ग्लव लूंगा यार, लिया हुआ मैं तो। दूसरा ट्राइपॉड तो है, बट मैं आपको दिखाऊंगा इसका, उससे बड़ी स्टेबल शूटिंग। इसका जूम करें जरा ऑन इसको। तो गाइस सनी भाई देखो एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बनाने की, बट ये है कि इसमें जो लेंस है वो बड़ा लेंस से लगा हुआ। नहीं, मैं आपको बताऊं एक बात, ये आप देख, ये इसका जो लेंस दिखाना यार, एक मिनट, ये जो लेंस है इसका ये है, तो आप देख सकते हैं। और भी जूम करेंगे इसको भाई, इसमें जूम बहुत अच्छा। हाँ, जूम इसका बहुत अच्छा है। इसकी डिस्प्ले है, और एक बात तो टच डिस्प्ले है इसकी, होल्डेबल है, सब कुछ है इसमें। बस आपको इसके स्टैंड की, प्लीज भगा। मैं उनकी सनी भाई बहुत सिविलाइज बंदे हूँ। शाबाश, हम आराम से चलेंगे। शाबाश सनी, शाबाश, हम आराम से चलेंगे। सनी भगा 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 सनी, तू मेरा दोस्त है सनी, भगा। और 3-2000 रुपए होते, 2000 क्या, 2000 12000 रुपए भाई। ये भगा नहीं कर उसको, बोलो नहीं कर उसको। जब से शादी की तब से इसका दिल इतना सारा दिल हो गया, पहले इसका इतना था भाई, इतना बाल बच्चेदार हो गया। हाँ, बाल तो बच्चे नहीं, बस दार हो गया है। सनी भगा यार, सनी खुशी से गाड़ी ठुकेगी, भगा सनी, सनी भगा। गाइस ये एनवायरमेंट पार्क, आज हमारा डेस्टिनेशन वो ये है, यहाँ हम बैठेंगे, कुछ खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। तो चलिए। तो गाइस मेरे भाई जो है सामान ले रहे हैं, क्या करूँ बंद इसको मैं? ले चल, एक साइड ले चल, छोड़ यार, एक ले चल, एक ले चल, डब्बा डाल ले, एक ले। गाइस बड़ी साइलेंट सी पार्क है ये, रेका पार्क बोलते हैं इसको। तो अब हम इन झूलों पे भी बैठेंगे, सामान नीचे रखना बोल रहा हूँ मैं आपको। गाइस एक बात बोलूँ मैं आपको, इस पार्क में कभी अकेले मत आओ, तो हम तो दोनों आए, ठीक है गाइस, रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है ये कपल की पार्क है गाइस। देखो मैं और ये दोनों आए गाइस यहाँ पे, इंजॉय तो हम कर रहे हैं, बट ये जो है पार्क सिर्फ कपल की है, कपल के लिए पार्क है गाइस। चलो गाइस थोड़ा इंजॉय करेंगे फिर आपके साथ। मैं बताता चलूँ मैं आपको कि इस पार्क में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, सिर्फ कपल पार्क है ये और कुछ नहीं है, ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया जिसको बोलते हैं, बस ऐसे जंगल टाइप सा कुछ, गाइस बिल्कुल मज़ा नहीं आया यहाँ पे। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, अच्छी प्लेस ढूंढते हैं घूमने के लिए। गाइस जब भी आओ यहाँ पे, बस कोई कपल आए यहाँ पे तो वही इंजॉय कर सकता है यहाँ पे, तो आप अगर अकेले आते हो यहाँ पे तो बिल्कुल मज़ा नहीं है, बहुत बोरिंग सी प्लेस लगी है हमें ये गाइस। अरे इसे बिल्कुल हाईवे के बिल्कुल साथ में है, सीधा जो हाईवे इसके साथ में है बिल्कुल, और बहुत ही बोरिंग सी प्लेस है गाइस ये। कुछ इसका इसका कुछ एक मैप है, मैप में आपको दिखा दूँ, मेरे पीछे ये मैप है इसका गाइस,
कैमरा भी वैसे ही, कोई फोटो क्लिक नहीं हुआ, कुछ नहीं है, क्योंकि मज़ा नहीं आया यार। चलो वापस चलते हैं, कहीं और जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहीं और मज़ा आएगा, एक्सप्लोर करते हैं जम्मू में कोई नई जगह। ओके बाइज, थैंक यू।